साथ में
काली जन कल्याण समिति के हमारे अध्यक्ष पति जी श्री विनोद जोशी, हमारे मेरा प्राइजर रूपेरिन श्री शेखर यादव जी, हमारे महासचिव महोदय श्री विनोद जोशी, श्री सुभाष पांडे जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस मंच से अपना आशीर्वाद यहाँ देने के पश्चात राम और रावण दोनों की सेनाओं की उनसे उम्मीद है कि वो हमारे शिविरों में भी आएंगे तो जुड़ पाएंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, श्री पार्थ गौतम जी हमारे मध्य में यहाँ पर मंच पर विराजमान होते हुए, आप हैं पार्थ गौतम जी, जरा जोरदार तालियां एक ऐसे युवा से जो एक संचालित कर रहे हैं एक विश्व प्रसिद्ध इनवर्टीज यूनिवर्सिटी को अपने कंधों पर उसको लिए हुए, जो अपने आप में बहुत अचंभित कर देने वाला है। और आज हम उनको अपने पीछे पा करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके लिए अब आप लोग कहेंगे कि आपने छोटे से बालक से उद्घाटन कराया, तो उसके लिए मैं दो शब्द कह दूं कि तुमसे अच्छा कोई मिला ही नहीं। यहां उद्घाटन कराने के लिए कि तुमसे अच्छा कोई मिला ही नहीं, मिलता कैसे कोई था ही नहीं। तो मैं ये माइक जरूर चाहता हूं कि दो शब्द किस प्रकार से वो एक यूनिवर्सिटी को संचालित कर रहे हैं, कैसे इनके यहां से इतने विद्यार्थी निकलते हैं तो देश और विदेश तक अपना नाम कमा रहे हैं। मैं दो शब्द श्री पार्थ करते हैं एक ना एक परिवार के पास, ऐसे परिवार के पास जा रहा हूँ जिनके पास शायद दिवाली मनाने के लिए कोई और नहीं है, तो मेरे को उसमें आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वैसे मेरे पास ऐसे बहुत नाम है, पर मेरा एक नंबर है 9570656565। एक बार मैं चाहता हूँ आप सब लोग नोट कर लें 9570656565। और आप लोगों के पास कोई भी ऐसी नीड हो, ऐसा कोई परिवार को आप जानते हो जिसके पास फाइनेंशियली भी, या हो सकता है परिवार में वो अकेले ही हो, परिवार उसका हो ही ना, उसके पास दिवाली अकेले मना रहे हो, तो ऐसे लोगों का कोई भी डेटा आपके पास है किसी को आप जानते हैं तो उस नंबर पर कॉल करके बताएं, ताकि मैं उनके साथ दिवाली मनाऊं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री पार्थ गौतम जी, मैं चाहूंगा कि दोनों की सेनाएं राम और रावण, वो कहते हैं कि हमारे पास भी जरूर दर्शन कर रावण की सेना भी, आप जब वहां से उनके शिविरों में जरूर आप जाएं, और उसके बाद शांति का प्रतीक एक गुब्बारा यहाँ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा यहाँ पर छोड़ा जाएगा, जो फिर वो अपनी अनंत यात्रा पर यहाँ से रवाना होगा। हमारे बीच में हमारे मध्य में 6 MPSR माननीय कमांडिंग ऑफिसर माननीय श्री मनीष सिंह जी का सब परिवार यहाँ पर आगमन हुआ है। थोड़ा नाम के मनीष साहब का नाम तो है लेकिन पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है मनीष के लिए, तो 6 MPSR के माननीय कमांडिंग ऑफिसर महोदय अब हमारे मध्य में यहाँ पर अपनी साधनों पर प्रदान कर चुके हैं। पर्वतीय सांस्कृतिक समाज पर ही उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। हमारे मध्य में हमारे मध्य में इंजीनियर समीर यादव जी का नोएडा से आगमन अब यहाँ पर हो चुका है। श्री समीर यादव जी विशेषकर स्पेशली हमारा मेला देखने के लिए हमारे निवेदन पर यहाँ नोएडा से यहाँ आए हुए हैं, तो उनके विषय में बाकी जानकारियां मैं बाद में दूंगा। तो समीर यादव जी का भी सपरिवार यहाँ पर स्वागत आम यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। तो समीर यादव जी का भी आगमन हमारे बीच में यहाँ पर हो चुका है। हमारे सांस्कृतिक जितने भी हमारे कलाकार हैं, हमारे जो भी कलाकार हैं वो अब मंच का रुख करें,
जो जिम्मेदारी हमने रवि महादेव आर्ट गुरु बरेली रवि महादेव आर्ट गुरु बरेली वाले पर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी प्रस्तुति करके रवि महादेव आर्ट गुरु बरेली वाले अपनी पहली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं मंच पर। अतिशीघ्र मंच पर पहुंचे अतिशीघ्र। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री पार्थ गौतम जी के कार्यक्रम से हमारे मध्य एक गुब्बारा जो शांति का प्रतीक है वो उनके कार्यक्रमों से यहां से छोड़ा जा रहा है। उसके पश्चात वो अपनी अनंत यात्रा पर यहां से रवाना हो रहा है। ऐसे ही आपको नजारे और विभिन्न रंग समय समय पर आपको देखना। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर विमल भारद्वाज जी का आगमन अब यहाँ पर हो गया है। डॉक्टर विमल भारद्वाज जी का भी नागरिक अभिनंदन यहाँ पर आज किया जाएगा। डॉक्टर विमल भारद्वाज अब हमारे मध्य में अपनी सादर उपस्थिति यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं। तो महादेव रवि महादेव आर्ट गुरु वाले अपनी पहली प्रस्तुति लेकर के अति शीघ्र यहां पर पहुंचे। हमारे मध्य में डॉक्टर विमल भारद्वाज जी का आगमन यहां पर आज हो गया है। माननीय डॉक्टर विमल भारद्वाज जी का हम यहां पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत में एक कार्यक्रम, जाहिर सी बात है जो पहला कार्यक्रम होता है तो गणेश वंदना ही होती है, तो ये कौन सी लेके आ रहे हैं इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है। तो बहुत शीघ्र यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। लेकिन उसके लिए पर्याप्त अंधेरा होना निशान आवश्यक है। आतिशबाज बिल्कुल तत्पर है, तैनात है अपने कार्य को लेकर के। लेकिन जैसे ही मेरा प्रभारी लोग उसको संकेत देंगे उनका यहाँ से प्रदर्शन होता रहेगा। मैंने जैसा किया कि हमने आज युवा विज्ञानी रक्षित भट्ट को यहाँ से सम्मान करना है। आज भी होगी, क्योंकि आज भी
भगवान मेरे जी को मनाया। आइएगा
Thank you.
ठीक है, अब तुम यहीं तरफ पीट करके बैठ जाओ।